व्हाट इज अप गाइस, मैं हूं सचिन भट्ट और आप देख रहे हो टेक्स 24। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं Asus Zenfone Max Pro M2 के ऊपर, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या Asus का Zenfone Max Pro M2 है वो आएगा इंडिया में कि नहीं आएगा। दोस्तों, ये चीज़ इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि आप लोगों को पहले ये लग रहा था या हम सभी को यही लग रहा था कि Asus का Zenfone Max Pro M2 17 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च हो सकता है। हालांकि इस चीज़ के ऊपर एक और मैंने वीडियो बनाई थी 4 दिन पहले, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में फिर भी ये सवाल है कि क्या भाई ये Zenfone Max Pro M2 जो Asus Zenfone Max Pro M1 का सक्सेसर है वो कभी इंडिया में आएगा भी कि नहीं आएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ Asus के रिसेंट लॉन्च डिवाइस की, तो उन्होंने लॉन्च किया है Asus Zenfone Max M1 और Asus Zenfone Lite करके जो स्मार्टफोन्स है वो इंडिया में लॉन्च किया, और ये काफ़ी बजट फ्रेंडली डिवाइसेस हैं। ये दोनों के दोनों अंडर 10,000 में आते हैं। एक 8,000 रुपये में आपको मिल जाएगा और एक मिल जाएगा आपको 6,000 रुपये में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये Zenfone Max Pro M2 की कोई सीरीज़ आ सकती है यहाँ पे, लेकिन वो नहीं आई और एक बजट का ही आया। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे से ये भी सवाल करने लग गए कि भाई क्या ये आएगा भी, कि अब Asus वालों ने इसको कैंसिल कर दिया है या बहुत दिनों से ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसे ही कोई भी Zenfone Max Pro M2 नहीं था। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने एक प्रूफ की वीडियो शेयर की थी जिसमें कि ये देख सकते थे आप पहले कि रसिया में सर्टिफिकेशन साइट पे Asus Zenfone Max Pro M2 और Asus Zenfone M2 मतलब Max M2 करके सॉरी, ये जो फोन्स थे ये सर्टिफाइड हुए थे। इसका मतलब ये क्लियरली इंडिकेशन है कि यहाँ पे Asus जो है वो वर्क कर रहा है अपने सक्सेसर पे, Zenfone Max Pro M1 के सक्सेसर पे। और एक चीज़ और मैं आपको फैक्ट बताऊं कि दोस्तों, सपोज करो कि अगर आप स्मार्टफोन, आपकी कोई स्मार्टफोन की कंपनी है, तो आप खुद सोचो कि आप क्या चाहते हो कि हमेशा कस्टमर को कुछ ना कुछ अच्छा स्मार्टफोन के मामले में दो, और कुछ ना कुछ ऐसा दो जो मार्केट में औरों के पास ना हो। लगातार यही सब चीज़ जो है वो और स्मार्टफोन्स कंपनियां इंडिया में करती रहती हैं। अभी हमने रियलमी देखा कि रियलमी 1 के बाद इन्होंने रियलमी 2 दिया, फिर 2 के बाद रियलमी 2 प्रो दिया, और वो अभी तक का सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव यहाँ पे निकल के जो आता है। और दोस्तों, यही Asus के साथ में था। Redmi Note 5 Pro था, Redmi Note 5 Pro को कोई भी टक्कर देने वाला स्मार्टफोन था ही नहीं। Asus ने अपना Zenfone Max Pro M1 लॉन्च किया तो वो एक सबसे अच्छा अल्टरनेटिव यहाँ पर निकल के आया, उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस थे इन कंपेरिजन टू Xiaomi Redmi Note 5, और लोगों ने उसको बहुत पसंद भी किया और वो फ़ोन बहुत ज़्यादा सेल हुआ इंडिया में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरा आप लोगों को यही समझाने का मतलब है कि जो स्मार्टफोन होता है, अगर वो सक्सेसफुल स्मार्टफोन होता है, तो उसका सक्सेसर आना इंडिया में लगभग 100% होता है। अगर कंपनीज को पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी है अपने, तो ही वो स्मार्टफोन का सक्सेसर नहीं लेके आएंगे, वरना वो लेके आते ही हैं। Xiaomi Redmi Note 5 Pro का भी सक्सेसर इंडिया में Xiaomi लेके आ चुका है, Xiaomi Redmi Note 6 Pro इस तरह का कुछ करके। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि सक्सेसर आएगा ही, और स्मार्टफोन कंपनीज मार्केट में इसलिए है कि वो सरवाइव करे, लगातार कस्टमर्स को अच्छा फोन्स दे और उससे पैसा कलेक्ट करें। तो यहाँ पे ऐसी अगर कोई आप सोच के देखो कि यार मतलब स्मार्टफोन ना आने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि एक हिट गया है Asus Zenfone Max Pro M1 और M2 के लिए बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे हैं। तो ऐसा कोई यहाँ पे कोई इंसिडेंस कोई भी घटना या मतलब जो भी आप कह लो इसको, ऐसी नहीं है कि यहाँ पे आपको ये इसका सक्सेसर ना देखने को मिले। हो सकता है कि इन्होंने 17 तारीख को ये जो अपने पुराने फ़ोन्स थे इस रेंज में, Asus का कोई भी नया फ़ोन था नहीं, तो इसीलिए इन्होंने इस जो रेंज था इसको रिफ्रेश किया है और वहाँ पे एक स्मार्टफोन लॉन्च किया। लेकिन अब बात ये रही Asus Zenfone Max Pro M2 की, तो M2 भी जल्दी ही आ सकता है। नवंबर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि M2 आपको देखने को मिल जाएगा, और नवंबर में आपको देखने को मिलेगा मतलब कि ये Redmi Note 5 Pro और बाकी जितने भी Honor 8X जितने भी नए और स्मार्टफोन्स हैं उनसे ये टक्कर लेने वाला है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखो कि Asus खुद सोच रहा है कि यार मार्केट में जो है अब नए स्मार्टफोन आ गए हैं और इस हमारे को टक्कर देने वाले बहुत सारे ऐसे जो है अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, तो हमारे फ़ोन्स कौन खरीदेगा? अगर ये रिफ्रेश नहीं देते हैं तो ये खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद Asus Zenfone Max Pro M1 कौन खरीदे? अगर आप सोचो इतना पुराना हो गया, इससे अच्छे अच्छे अल्टरनेटिव्स निकल आए, तो अगर ये इससे अच्छा अल्टरनेटिव निकाल के लाते हैं तभी तो इनका स्मार्टफोन कोई खरीदेगा। और दोस्तों, जो Asus Zenfone Max Pro M2 है उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस होंगे,
इतने अच्छे होंगे कि रियल मी 2 प्रो भी इसके आगे फेल हो जाएगा। उसमें एक आपको अपग्रेडेड प्रोसेसर मिलेगा, हो सकता है कि इसमें स्नैपड्रैगन का 710 का प्रोसेसर मिले जो कि रन करता है 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। यहाँ पे आपको अच्छे कैमरास मिले और एक नॉच वाले डिस्प्ले तो मैंडेटरी है ही। इस रेंज में हर किसी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर के पास एक ये ऐसा फ़ोन है ही कि वो नॉच डिस्प्ले के साथ में आता है। चाहे आप रियल मी 2 प्रो को देख लो, हॉनर 8X को देख लो, यहाँ पर रेडमी नोट 6 को भी देख लो, जैसे Zenfone Max Pro M2 ही M1 ही है जिसमें कि अब एज नॉच गैप बोलते हैं ना, नॉच डिस्प्ले नहीं है, तो यहाँ पे Zenfone Max Pro M2 में श्योरली एक नॉच डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। और उससे ये हो जाएगा कि हाँ, ये भी कंधे से कंधा मिला के और स्मार्टफोन्स के साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो देखने में काफ़ी स्मार्ट लगते हैं और ये भी काफ़ी स्मार्ट लगने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बड़ी बैटरी मिलने की संभावना है Zenfone Max Pro M2 में। और मेन आप इस चीज़ के लिए एक्साइटेड होगे भाई, लॉन्च डेट। तो Asus को भी पता है कि भाई अगर लॉन्च जल्दी नहीं करेंगे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उनको भी लॉन्च जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं, ये बहुत सारे सेल हो रहे हैं। और Asus का जो शेयर जो Zenfone Max Pro M1 की वजह से पहले बढ़ा था, वो घटता जा रहा है, क्योंकि अच्छे अच्छे अल्टरनेटिव्स निकल आए हैं। तो अगर वो कोई नया अल्टरनेटिव देते हैं तो फिर से उनका शेयर बढ़ेगा और फिर से उनके और बिक्री बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी। और स्मार्टफोन्स कंपनी को क्या चाहिए, कमाई चाहिए, अच्छे फ़ोन चाहिए, नाम चाहिए। सो मेरे हिसाब से Asus का Zenfone Max Pro M2 जल्दी ही आने वाला है। ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आप लोगों के आगे रखे, बाकी आप लोग डिसाइड करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या सोच रहे हो, ये आएगा, कितनी इसकी प्राइस रेंज होगी। और प्राइस रेंज के हिसाब से भी जो प्राइस रेंज के हिसाब से भी देखा जाए तो प्रो M1 जो था वो भी काफ़ी बजट फ्रेंडली फ़ोन था। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि और तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो Zenfone Max Pro M2 होगा वो भी काफ़ी बजट फ्रेंडली में आने वाला है। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, आप क्या सोच रहे हो स्मार्टफोन के बारे में, क्या आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।